morning children. I hope you are enjoying good health with your parents. Today I welcome you to online classes 2020-21. So today let us begin our class. Class 5th subject VBS. Lesson number 1. Understanding our relations. Dear children, in this lesson we will try to understand our relations. इस लेसन में हम हमारे रिश्तों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे. ओके, देन बिफोर वी गो टू द लेसन वी शैल लर्न व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज फैमिली, परिवार क्या है. देन द टाइप्स ऑफ फैमिली, परिवार कितने प्रकार के हैं. सो ऑल दोस थ्री थिंग्स वी विल लर्न बिफोर वी गो टू द लेसन. ओके, देन पॉइंट नंबर 1, रिलेशंस. रिलेशन मीन्स संबंध और रिश्ता. रिश्ता क्या है, व्हाट इज रिलेशन. द कनेक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड देयर रिलेशन. हमारा कनेक्शन जो हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से है, उससे उस संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, रिश्ता. वो हमारा रिश्ता कहलाता है. ओके, देन नेक्स्ट वन फैमिली. व्हाट इज फैमिली, परिवार क्या है. कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर पीपल रिलेटेड बाय बर्थ, मैरिज और अडॉप्शन. रिसाइडिंग मीन्स स्टेइंग और लिविंग इन द सेम हाउसिंग यूनिट इज कॉल्ड फैमिली. फैमिली परिवार क्या है, जहाँ माँ बाप, भाई बहन, ग्रैंड पेरेंट्स सब मिल करके एक साथ रहते हैं, वो क्या कहलाता है, एक परिवार कहलाता है. ओके, देन पॉइंट नंबर 3, टाइप्स ऑफ फैमिली. फैमिली के प्रकार, देर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिली टू हियर. फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर फैमिली, इन सिंपल वर्ड स्मॉल फैमिली, छोटा परिवार. सेकेंड वन इज जॉइंट फैमिली, सिंपल वर्ड बिग फैमिली और बड़ा परिवार. सो देर आर टू काइंड्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. देन वी शैल सी द डेफिनेशन. न्यूक्लियर फैमिली, व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली. स्मॉल फैमिली, बड़ा छोटा परिवार क्या है. न्यूक्लियर फैमिली इज अ फैमिली इन विच पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली. जिस परिवार में माता पिता एक और दो बच्चे साथ में रहते हैं, वह क्या कहलाता है, एक छोटा परिवार. ओके, देन सेकेंड वन जॉइंट फैमिली. आई टोल्ड यू इन सिंपल वर्ड्स बिग फैमिली, बड़ा परिवार. बड़ा परिवार क्या है. जॉइंट फैमिली इज अ फैमिली इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स मीन्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स लिविंग इन वन होम और हाउस इस कॉल्ड जॉइंट फैमिली. जिस परिवार में ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची, कजिन्स और हम सब भाई बहन मिल करके रहते हैं, वह क्या कहलाता है, एक बड़ा परिवार कहलाता है. ओके, देन लुक हियर, आई हैव रिटन हियर संजना इन फ्रंट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली. आई हैव रिटन सॉरी सलमा एंड जॉइंट फैमिली. आई हैव रिटन संजना. संजना एंड सलमा वी विल स्टडी इन अ लेसन. दे आर हैविंग अ कन्वर्सेशन. सो सलमा एंड संजना वी विल सी इन द टेक्स्ट बुक. ओके, अंडरस्टैंडिंग अ रिलेशंस, हमारे संबंधों को समझना. संजना एंड सलमा स्टडी इन स्कूल. संजना और सलमा एक कक्षा में पढ़ते हैं. वन डे संजना वॉज वेरी सैड, एक दिन संजना बहुत उदास थी.
सलमा आस्ट हर वाई आर यू सो सैड। सलमा पूछती है आप क्यों उदास लग रही है। सलमा से माई मदर इज़ नॉट फीलिंग वेल, मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है। सलमा सेड डोंट वरी, इन इंटरवल वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस मैटर, योर मदर विल गेट वेल सून। सलमा कहती है आप चिंता मत करो, हम इंटरवल में डिटेल से बात करेंगे, आपकी मम्मी ठीक हो जाएगी इन द इंटरवल। सलमा यस संजना, नाउ टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर मदर। सलमा पूछती है अभी बताओ संजना तुम्हारी मम्मी को क्या हो गया। संजना माई मदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, मेरी मम्मी का तबीयत कल से ठीक नहीं है। सलमा हैव यू टेकन हर टू डॉक्टर, क्या आप उसे डॉक्टर के पास लिए थे। संजना यस द डॉक्टर हैज गिवन हर मेडिसिंस, माई ग्रैंड मदर एंड आंट आर टेकिंग केयर ऑफ हर। डॉक्टर उसे दवाई दे दिया है, मेरी दादी जी और ताई जी उसका ख्याल रख रही हैं। सलमा देन वाई आर यू वरीड, एवरीवन इज देयर इन योर फैमिली टू टेक केयर ऑफ हर, तो आप चिंता क्यों करती है, आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो मम्मी का ख्याल रख सकते हैं। संजना यस ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स लिव टुगेदर, माई ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर अंकल्स आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन वी ऑल लिव टुगेदर। यस हम सब परिवार मिल करके एक साथ रहते हैं, ताई जी ताऊ जी दादी जी दादाजी सब मिल करके एक साथ रहते हैं। सलमा यू डोंट वरी एट ऑल, एवरी वन इन योर फैमिली विल टेक केयर ऑफ योर मदर, within 2 or 3 days she will get absolutely means completely well. In my family I have my mother father and younger sister only. सलमा कहती है आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो माँ का ख्याल रख सकते हैं, 2-3 दिन में मम्मी अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी। मेरे परिवार में सिर्फ मेरे पिताजी माताजी और छोटी बहन रहती है। ओके देन टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ न्यूक्लियर फैमिली एंड व्हाट इज जॉइंट फैमिली, दे हैड गिवन यू हियर द पिक्चर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली एंड द पिक्चर ऑफ जॉइंट फैमिली। यू कैन सी लुकिंग एट दिस पिक्चर यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके देन प्लीज नोट पेज नंबर 2, रो द फॉलोइंग टेबल इन योर notebook and complete it. Here 2 columns are given. First column family members, grandfather, grandmother, elder, uncle, so on. In second column they live with you or somewhere else. Write the name of the place. For example, grandfather lives with us in Hindon. Elder uncle lives in Jaipur. So wherever they live, just write the name of the place. जहाँ आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं उस जगह का नाम यहाँ पे लिखना। ओके वी शैल कंटिन्यू आवर लेसन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू।